बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक लोहार की सारी जिंदगी शैतानी कामों और गुनाहों में गुजरी। पूरा गांव लोहार के हरकतों की वजह से तंग था। एक दफा वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से कह रहा था कि उस लोहार का क्या किया जाए, पूरे गांव की खवातीन उस शैतान की वजह से बाहर नहीं निकलती। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, जब उस लोहार की अपनी बेटी पैदा होगी और कोई उसकी बेटी को बुरी नज़र से देखेगा, उसको एहसास होगा औरत की इज्जत क्या होती है। लोहार ये सब बातें सुन रहा था और बुजुर्ग की बात तो उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसने अपनी दुकान बंद की और निदामत के आंसू बहाता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा। खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और सच्चे दिल से तौबा की। अब लोहार मस्जिद में बाकायदा नमाज पढ़ता था और इमाम मस्जिद उसे गौर से देखता था, क्योंकि वो लोहार की माजी की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो दिल में सोचता था कि मशहूर ज़माना शैतान, जिसके डर से ख़वातीन बाहर नहीं निकलती थीं, वो अचानक फरिश्ता कैसे बन गया। दाल में कुछ तो काला है उसके यूं नमाजी और अचानक परहेजगार बनने में कोई चाल ज़रूर है। उधर लोहार का कारोबार पहले से कम होने लगा, मगर उसने मज़ीद मेहनत करना शुरू कर दी। गांव की औरतें जब घरों से बाहर निकलती तो हैरान होती कि उसको किसी चीज़ का होश तक नहीं है। लोहार अपनी नज़र उठाता ही नहीं था, उसके ग्राहक आना काम हो गए। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और मजदूरी करने लगा। दिन भर की मजदूरी से उसे थोड़ा सा मुआवजा मिलता, मगर वो खुदा का शुक्र अदा करके चला जाता। उसके एक करीबी दोस्त ने उसे कहा, जब से तुमने तौबा की है उस दिन से तुम्हारे हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी तौबा की भूल हुई है या नहीं? लोहार अपने दोस्त की बात सुनकर खामोश रहा और कुछ ना बोला। अगले रोज लोहार सुबह की नमाज अदा कर मजदूरी की तलाश में निकला। उसे कहीं से मजदूरी नहीं मिल रही थी। दूसरे दिन भी यही हालात रहे। कई दिन तक मजदूरी ना मिली, नौबत फाकों तक आ गई। कई दिन तक ऐसा होता रहा, पूरे दिन में एक बार खाना खाता और कई रातें बगैर खाए पिए ही सो जाता। एक दिन लोहार परेशानी की हालत में ज़मीन पर बैठा था कि इमाम मस्जिद अपने गधे पर सवार होकर लोहार के सामने से गुजरा। मौलवी ने लोहार को गौर से देखा। मौलवी को मालूम हो चुका था कि लोहार फाकों में है। मौलवी ने कहा, तुमने खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल ही नहीं की, वरना तुम फाकों में ना होते और ना ही दलील ख्वार होते। लोहार ने मौलवी को गधे से उतारा और अपने कंधे पर बिठा कर दुकान की तरफ चल पड़ा। मौलवी चीखता रहा कि मुझे कंधे से उतारो, मगर लोहार ने एक ना सुनी। लोहार उसे अपनी दुकान में ले आया और लोहे के तख्ते पर लिटा दिया और आग से हथौड़ा गर्म करने लगा। मौलवी डर गया और कहने लगा, मुझे छोड़ दो। लोहार ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। मैं यहाँ तुम्हें कुछ दिखाने के लिए आया हूँ। मेरी दुकान पर ग्राहक बेढंगा लोहा लेकर आते हैं। कोई ग्राहक मुझे कहता है, मुझे तलवार बना कर दो। कोई कहता है, खंजर बना कर दो। मैं लोहा गरम करता हूँ, अपना हथौड़ा भी आग पर गरम करता हूँ। बेढंगे लोहे को उनकी मतलूबा शक्ल में लाने के लिए उस पर दरमे लगाता हूँ। जो बेढंगा लोहा आग की तपश और हथौड़े की तरह बर्दाश्त कर लेता है तो उसे मतलूबा शक्ल हासिल हो जाती है, और जो लोहा ज़र्बे बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं उसे कबाड़ खाने में फेंक देता हूँ। मुझे खुदा की राह में ये तकालीफ मंजूर हैं। मैं उस आजमाइश पर राजी हूँ कि फाकों के हथौड़े खाऊं। शायद इस तरह मैं उस मतलूबा शक्ल में आ जाऊं जिस शक्ल में खुदा मुझे ढालना चाहता है। बस मेरी ये दुआ है
कि खुदा मुझे बेकार समझकर कबाड़ में ना फेंक दे। यह कहकर लोहार की आंखों से आंसू जारी हो गए और मौलवी भी लोहार की बातें सुनकर रोने लगा और लोहार से माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हें गलत समझता रहा। अखलाकी सबक, खुदा की राह में आने वाली मुश्किलात दरअसल हमें आखिरत की सख्ती से बचाने के लिए होती हैं। यह तो अल्लाह ताला की आजमाइश होती है जिससे गुजर कर इंसान इस शक्ल में आ जाता है जिस शक्ल में खुदा उनको देखना चाहता है। बस ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा इस आजमाइश में ना डाले जिस पर पूरा उतरने की ताकत नहीं। वस्सलाम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वस्सलाम।